the bus to dire teri सो बस आज के टाइम में जो ये वाला जो म्यूजिक है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो आप लोग कैसे एडिट कर सकते हो इस वीडियो में एंड आपकी वीडियो कैसे वायरल होगी आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो कंप्लीट वॉच करना। तो आप गाइस सबसे पहले हम इस एडिटिंग को करेंगे कैपकट ऐप में, तो गाइस आप लोग जो कैपकट ऐप को ओपन कर लेना। कैपकट ऐप को ओपन कर लेने के बाद गाइस यहां से आप सभी को सिंपली अपनी वीडियो को जो है सिलेक्ट कर लेना है एंड जो भी स्टॉक वगैरह मैं इसमें यूज करूँगा सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोग, तो वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे जो हम अपनी जो वीडियो है जो इसको हम एडिट करने वाले उसको यहाँ पे सिंपली हम ऐड कर लेंगे एंड यहाँ पे ऐड कर लेने के बाद क्या करेंगे यहाँ पे जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे म्यूजिक का ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ऑडियो के ऊपर हम टैप करेंगे, ऑडियो पर टैप करने वाला पे फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे एंड ऐसे कैसे हम वीडियो को ले लेंगे गाइस, ठीक है। तो जो म्यूजिक जो है आप इस वीडियो को जो मतलब वीडियो मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप डाउनलोड कर लेना, तो इसका म्यूजिक ऐड कर लेते हैं। ओके गाइस इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आप लोगों को इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाना है एंड यहाँ पे मैंने वीपीएन ऑन नहीं किया था, मैंने कर लिया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे ऐड वीडियो के ऊपर दोबारा इफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड ऐसे गाइस सबसे पहले हम डायमंड ब्लर का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डायमंड जूम जो है अब यहाँ पे जो ओपेसिटी अपने हिसाब से आप रख लेना, बाकी यहाँ पे हम प्ले करके देखेंगे एंड गाइस यहाँ पे जितना साइज इसमें आ रहा है इसका मतलब डायमंड का इतना ही रहने देना, आपको उसको कम ज़्यादा नहीं करना है। अभी हम गाइस क्योंकि जैसे क्या है एक वीडियो हम एडिट करेंगे जिससे कि गाइस हम एडिटिंग करने में थोड़ा ईजी हो जाएगा, यानी कि मतलब जो जो इफेक्ट हम उसी को इसी के हिसाब से ऐड करेंगे यहाँ पे, तो ये वाली वीडियो एम सी स्टैंड की, ठीक है। तो हम इसको हम यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे आपने थंबनेल भी देखा होगा एम सी स्टैंड का जो मैंने लगाया है। तो यहाँ पे गाइस क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको हम प्ले करके देखेंगे कि ब्लर जो है इस वीडियो में जितना होगा उसके हिसाब से हम रखेंगे, तो गाइस सेम इतना ही ब्लर है इसमें भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमने इतना ब्लर रखना है, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे हम जो है वीडियो के हिसाब से मतलब यानी कि जहाँ पे हमें इफेक्ट दिख रहा है एनिमेशन वहाँ पे हम जो है वीडियो को ट्रिम कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है तो हम वीडियो को जो यहाँ पे करेंगे स्प्लिट कर लेंगे। स्प्लिट करने के बाद यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जो है यहाँ पे वीडियो को टैप करेंगे जिसमें हमें एनिमेशन डालना है, एनिमेशन के ऊपर टैप करेंगे। एनिमेशन में जाने के बाद गाइस आपका एनिमेशन कौन सा वाला रखना है मैं बता देता हूँ, तो ये वाला एनिमेशन आपको रखना है एंड आप जो राइट क्लिक कर देना है। इतना हो जाने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पे फिर क्या करना है, आप वीडियो को प्ले करना है थोड़ा सा एंड यहाँ पे देखिएगा जिसके बाद जो है वीडियो में स्लोमो है, ठीक है। तो स्लोमो के लिए आपको करना क्या, यहाँ पे हम वीडियो को ऊपर टैप करेंगे, टैप करने के बाद स्पीड में जाएंगे, स्पीड में जाने के बाद हम कर्व वाला लेंगे, कर्व वाला में जाने के सबसे फर्स्ट वाला जो है कस्टम, कस्टम को ऐड करेंगे एंड कस्टम को ऐड करने के बाद यहाँ पे हम टैप करेंगे एक बार एंड जो स्लोमो जो स्टार्टिंग में है तो हम जो स्टार्टिंग का जो ये वाला पॉइंट है इसको जो हम नीचे की साइड में रख देंगे इस टाइप से, ठीक है। एंड उसके बाद जो है हम थोड़ा सा जो यहाँ पे देख रहे हैं इसको प्ले करके कि स्लोमो अच्छे से वाइड हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। एंड इसके बाद जो है हम यहाँ पे इस वाले को भी थोड़ा सेकंड वाले को थोड़ा नीचे कर लेते हैं क्योंकि यहाँ तक स्लोमो है, तो यहाँ तक हम स्लोमो रख लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद जो है आप देख सकते हैं आगे की तरफ स्पीड है एंड लास्ट में जो है स्लोमो है, ठीक है। तो लास्ट में भी हम थोड़ा सा स्लोमो जो ऐड कर देंगे थोड़ा सा नीचे की साइड में, ठीक है। इतना हो जाने के बाद गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्लोमो ऐड हो चुका है। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या करना है, हम यहाँ पे क्या करेंगे पहले हम इसको प्ले करके चेक कर लेंगे। तो गाइस आपने वीडियो में देखा होगा नीचे जो सेकंड वाली वीडियो है इसमें गाइस की एक इफेक्ट भी है जो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा आ रहा है थोड़ा सा विग्नेट टाइप का, तो वाला इफेक्ट डालने के लिए आपको करना है गाइस आपको सिंपली यहाँ पे टैप करना है एक बारी एंड आप वीडियो इफेक्ट में चले जाना है। वीडियो इफेक्ट में जाने के बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो गाइस आपको यहाँ पे देखिए गाइस ब्लैक फ्लैश के बगल में जो स्ट्रोब वाला जो है ये वाला इफेक्ट आपको ऐड करना है एंड गाइस देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो है विग्नेट टाइप का जो है फ्लैश आ रहा है गाइस, है ना। तो इसको एंड तक रख देना आप सभी को वीडियो के हिसाब से, तो यहाँ पे हम इतना रख देते हैं एंड इतना होने के बाद वाटर मार्क यहाँ पे हम डिलीट कर देंगे एंड उसके बाद यहाँ पे फिर क्या करेंगे यहाँ से जो है हम एक इफेक्ट एक एनिमेशन और डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो आप वीडियो में चाहो तो दो तीन एनिमेशन डाल सकते हो अगर आपकी वीडियो में इतना ज़्यादा अगर बैकग्राउंड में कुछ नहीं है तो हम थोड़ा प्ले करके देखते हैं। यहाँ पे स्लोमो हमारा ऐड हो चुका है। अभी कलर ग्रेडिंग वगैरह तो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि आपसे एक पता है कलर ग्रेडिंग वगैरह बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो अगर आप लोग को इस कलर ग्रेडिंग के ऊपर वीडियो चाहिए होगी तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए इसके ऊपर वीडियो ला दूंगा। तो हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा जो है एक एनिमेशन ऐड कर लेते हैं, फिर वीडियो हम स्प्लिट कर देंगे वीडियो को टैप करके आप बीच में रखेंगे एंड उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे वीडियो को टैप करेंगे एनिमेशन के ऊपर जाएंगे। एनिमेशन में जाने के बाद जो हमें वाला शेक थ्री वाला जो है हम ये रखेंगे, परफेक्ट। अब गाइस देखिए यहाँ पे इतना हो जाने के बाद आपको करना है क्या गाइस, ठीक है। तो यहाँ तक जो हमारा मतलब कि कम्प्लीटली तो अभी हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बैक चलेंगे और जो हमने वीडियो ऐड करा है पहले सबसे पहले इसको डिलीट कर देंगे क्योंकि इसका काम जो है यहाँ तक खत्म हो जाता है एंड उसके बाद स्टार्टिंग में जाएंगे यहाँ से एंड यहाँ पे जो है वीडियो के ऊपर एक बारी जो मतलब यहाँ से बैक चल के जो ऑडियो है ऑडियो का जितनी आपकी वीडियो सिर्फ उतनी ऑडियो रखना नहीं तो लास्ट में जो ब्लैक ब्लैक आ जाएगा आपकी वीडियो में, ठीक है, जो कि आपको वीडियो में बेकार लगेगा। तो आप जो है ऑडियो को बाकी का जो डिलीट कर देते हैं यहाँ पे एंड वीडियो को जहाँ से हम सेव कर लेते हैं। तो गाइस आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहीं तक थी। तो गाइस आई होप कि आप सभी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आप सभी के लिए ऐसे ही इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग वीडियो आती रहती है। चले मिलते हैं नेक्स्ट।